देश में पहले से ही इस प्रकार के बड़े सख्त कानून बने हुए हैं जो भ्रष्टाचारियों को सख्त से सख्त सजा देने में सक्षम। नया लोकपाल बिल बनने से पार्लियामेंट के सर्वसम्मति से पास होने के बाद भी अगर इम्प्लीमेंटेशन करने वाली अथॉरिटी यही रहेगी तो फिर लोगों को राहत कैसे मिलेगी। इसलिए इसका समाधान केवल एक ही है कि कांग्रेस के कुशासन का अंत किया जाए, नए सिरे से मध्यावधि चुनाव हो ताकि जनता अच्छे नेक और ईमानदार लोगों का चयन कर सके जो इस भ्रष्टाचार की बीमारी को जड़मूल से समाप्त करे। डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको समान अधिकार हासिल, इस देश का हर नागरिक चाहे वो चपड़ासी है चाहे वो राष्ट्रपति, वोट सबका बराबर, एक वोट से सरकार बनती है एक वोट से सरकार गिरती है और प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मत से गिरी थी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री मुरारजी भाई देसाई एक वोट से चीफ मिनिस्टर भी चुने गए थे। इसलिए जब वोट का अधिकार सबके पास समान है तो इसमें किसी को राहत कैसे प्रदान की जाए, हम इसके पक्षधर नहीं। भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक इस देश के हर नागरिक को जनतांत्रिक तरीके से अपनी मांग सत्ता पक्ष के सामने रखने का अधिकार हासिल है। शायद प्रणब मुखर्जी को इस बात का ध्यान नहीं रहा होगा कि इस देश में अंग्रेज जैसे कुशासन का अंत करने के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का एक कारगर हथियार इस्तेमाल किया था और एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा उसका इस्तेमाल किया और उसकी वजह से अंग्रेज जैसी वो तानाशाही सरकार जिसके राज में कभी सूरज ग्रुप नहीं होता था उसे भी बोरिया बिस्तरा बांध करके सात समुद्र पार जाने पर मजबूर होना पड़ा था। अगर भूख हड़ताल जैसे कारगर हथियार कोई प्रणब मुखर्जी जैसा सीनियर मंत्री अगर असंवैधानिक बताता है तो फिर हमें ये मान के चलना चाहिए कि उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं।